हेलो इंस्पायर्ड इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे लालच और डर के बारे में जो स्टॉक मार्केट में हमेशा रहता है, चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तब आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा, लेकिन वॉरेन बफेट जो दुनिया के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन है वो बोलते हैं कि लालच और डर तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जी हाँ, वो बोलते हैं कि लालच और डर तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जिसके कारण उन्होंने आज इतनी तरक्की की है। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने, तो इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। हम सभी को लालच और डर के कारण लॉस हुआ है, लेकिन उनको फायदा हुआ है। कैसे, आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने किया इसका इस्तेमाल, ताकि हम भी उनसे कुछ सीख सके और स्टॉक मार्केट में उसका इस्तेमाल कर सके। आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। बेंजामिन ग्राहम, जिन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बुक को लिखा है, इस बुक को आज भी बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग कहा जाता है। इस बुक के चैप्टर 8 में उन्होंने लालच और डर, इन दो इमोशंस के बारे में बोला है। मिस्टर ग्राहम बोलते हैं कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो स्टॉक मार्केट में आपको लॉस होना पक्का है। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में आपको लॉस होना पक्का है। वो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे बहुत लोगों का लॉस हुआ है, लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपको लॉस होना पक्का है। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने, मिस्टर ग्राहम बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट को वो मिस्टर मार्केट बोलते हैं, और मिस्टर मार्केट आपको हमेशा हर दिन नए नए ऑफर्स देगा, इससे आपको फ़ायदा या नुकसान भी हो सकता है। हम जो देखते हैं ना रोज़ शेयर्स के प्राइस ऊपर हो रहे हैं नीचे हो रहे हैं, असल में यही है वो ऑफर्स। किसी शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो किसी शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है। जब शेयर्स का प्राइस ऊपर जाने लगता है तो हम लालची हो जाते हैं, जब शेयर्स का प्राइस नीचे चल जाता है तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो मिस्टर ग्राहम बोलते हैं कि मैक्सिमम लोगों का लॉस वहीं पर होता है जब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इस चीज़ के कारण बहुत लोगों को लॉस हुआ है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ से बचे कैसे, ताकि हमको लॉस भी ना हो और हमको हमेशा प्रॉफिट ही हो और हम बच जाए इस चीज़ से। अगर आपने भी इस चीज़ को फील किया है ना, तो वीडियो को लाइक करना, पता तो चले कितने लोगों ने इस चीज़ को फील किया है। मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा और आप खरीदने के बाद देखते हैं कि उस शेयर का प्राइस नीचे जाने लगा, तो आप डर के मारे उस शेयर को बेच देते हैं ताकि आपको लॉस ना हो। लेकिन जैसे ही आपने बेच दिया, आप देखते हैं कि उस शेयर का प्राइस फिर से ऊपर जाने लगा। तो ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? आपको लगता होगा कि यार मैं इतना बदनसीब हूँ, इतना अनलकी हूँ मैं, कि मैं जो चाहता हूँ हमेशा उसका उल्टा होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलती यहाँ पे आपका नहीं है, आपके इमोशंस का है। जी हाँ, गलती यहाँ पे आपका नहीं है, आपके इमोशंस का है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। इसी को कहा जाता है बिहेवियरल इन्वेस्टिंग। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं मिस्टर वॉरेन बफेट और मिस्टर बेंजामिन ग्राहम से। मिस्टर ग्राहम बोलते हैं कि अगर आपको लालच और डर, इन दो इमोशन से बचना है ताकि आपको लॉस ना हो, तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को अच्छी तरह से जान ले कि वो कंपनी कितनी अच्छी है। असल में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, वो आपसे बोल रहे हैं कि आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से करें। अगर आपको नहीं पता कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो आप ऊपर आई बटन पर ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम को सपोर्ट करते हुए मिस्टर वॉरेन बफेट बोलते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। अब इन दो स्टेटमेंट से आपको क्या समझना चाहिए, जैसे अभी देखिए, अभी कोरोना के टाइम पे सारे शेयर्स के दाम नीचे गिर गए हैं। तो मान लीजिए आपने फंडामेंटल एनालिसिस करके निकाल लिया कि कोई एक कंपनी है जो बहुत ही अच्छी है, लेकिन अभी आपको कोरोना के कारण बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, आपको उस कंपनी को ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपको वो कंपनी बहुत कम प्राइस में मिलेगा। जबकि मैक्सिमम लोग उस शेयर को नहीं खरीदेंगे ये सोच के कि कंपनी का प्राइस, शेयर प्राइस तो नीचे जा रहा है तो हमको इस कंपनी को ख़रीदना नहीं चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर लालची होकर उस कंपनी को ख़रीद लिया जो कि बहुत ही अच्छा था। इसीलिए वॉरेन बफेट बोलते हैं कि लालच और डर उनका सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि अभी डर का मौसम है, लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होगा, इस शेयर का प्राइस फिर से बढ़ने लगेगा, तब लोग इसको खरीदेंगे उल्टा लालच से। अब लोग, जब प्राइस बढ़ रहा होगा तब लोग इसको खरीदेंगे, तो तब क्या होगा, तब अगर आप उस शेयर को बेचते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि आपने तो उस शेयर को बहुत कम प्राइस में ख़रीदा था, और जब आप बेच रहे हैं तब उसको आप ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हैं। मतलब बाय लो सेल हाई, यही चीज़ है जो एक अच्छा इन्वेस्टर बनाता है। वॉरेन बफेट इस चीज़ में बहुत ही माहिर है।
वो जानते हैं कि कैसे अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है, लेकिन उन्होंने भी एक गलती की है। उन्होंने अपने बचपन में जब शेयर्स खरीदना शुरू किया था तब उन्होंने भी लालच और डर के कारण एक गलती की है। तो देखिए वो गलती क्या है। वॉरेन बफेट जब 14 साल के थे ना, तब उन्होंने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे। उस शेयर का प्राइस बढ़ रहा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन अचानक उस शेयर का प्राइस नीचे चला गया, तो डर के मारे उन्होंने क्या किया, उस शेयर को बेच दिया। अब जैसे ही उन्होंने बेच दिया, कुछ महीने बाद आप देखते हैं कि वो उस शेयर का प्राइस 4 गुना हो गया है। तो इसी से उन्होंने एक लेसन सीखा, उन्होंने सीखा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको लॉस होना पक्का है। ऐसा एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। मैं मदरसन सुमी, ये एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के शेयर्स करीब 1 साल पहले की बात है, मैंने खरीदा था शेयर्स। तो खरीद लिया मैंने, तो उस शेयर का प्राइस बढ़ रहा था हर दिन। मैं देखता था कि शेयर्स का प्राइस थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। एक दिन क्या हुआ, अचानक फॉल आ गया उसमें, तो मैंने डर के मारे लॉस हो जाएगा मुझे ये सोच के मैंने बेच दिया वो शेयर। कुछ महीने बाद मैं देखता हूँ कि उस शेयर का प्राइस भी वैसे ही बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं उसको फिर से परचेज कर सकूँ। तब मुझे भी यही सेम चीज़ पता चला कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। जबकि अभी लॉकडाउन के टाइम पे जब सारे शेयर्स के दाम गिरे हुए हैं, तब मैंने बहुत ही कुछ अच्छे अच्छे शेयर्स पिक किए हैं जो कि अभी मेरे पोर्टफोलियो में है, और सारे के सारे ग्रीन हैं। जी हाँ, सारे के सारे अभी ग्रीन हैं। जब तब मैंने खरीदा था तब सारे के सारे रेड थे और अभी सारे के सारे ग्रीन हैं, मतलब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा। अगर आपको जानना है कि कौन से वो शेयर्स थे, तो जो शेयर्स मैंने पिक किए हैं अपने पोर्टफोलियो में, उन्हीं शेयर्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। आप, एक प्लेलिस्ट है मेरा, आप वो देख लीजिए, स्टॉक्स टू इन्वेस्ट, आपको उस प्लेलिस्ट में पूरा मिल जाएगा। तो आशा करता हो कि आपको समझ में आया होगा कि लालच और डर को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई और डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे पर्सनली कुछ बात करना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन टू यू, ऑलवेज। ओके, थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।